देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। यानी तो मेरा बहुत अच्छा था और जो एंटायर क्रेडिट गोज टू माई कोरियोग्राफर एंड माई डायरेक्टर सर। जो डिसीजन था कि हम लोगों को एक अरबिक सॉन्ग बनाना है, क्योंकि आजकल ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा है, नूरा फतेही का सॉन्ग आया, फिर देन उसके बाद इस फिल्म में हाउसफुल 4 में, सो हम लोगों को लगा कि कुछ नया करते हैं। सो हम लोगों ने हबीबी सॉन्ग क्रिएट किया, बहुत मेहनत की, अच्छे से बनाया, बट जो मेन क्रेडिट है वो मेरे डायरेक्टर को, मेरे कोरियोग्राफर को, मेरे प्रोड्यूसर सर सलीम सर को जाता है। तो गहना को वेब सीरीज आइकॉन देखा जा रहा है, इतने सारे वेब सीरीज काम कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल सीन्स डांसर के तौर पे कितना एक्सेप्ट करेंगे व्यूअर्स आपको? अगर मैंने कहीं भी छोटे कपड़े पहन लिए ना तो पब्लिक मुझे एक्सेप्ट कर लेती है, तो मैं गाने में भी छोटे कपड़े पहनती हूँ। लेकिन खुद को कितना अच्छा डांसर मानते हैं आप, क्या समझते हैं डांसिंग कितना अच्छा? मैं अपने आप को तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे डांसर मानती हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी मानती हूँ, बट क्या होता है ना, जब मैं सेट पे पहुँचती हूँ तो कई बार ना मेरे जो कोरियोग्राफर हैं और डायरेक्टर नर्वस हो जाते हैं, यार कुछ और सोचा था निकल क्या रहा है, बट फाइनली मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ और मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। सर आपने जो गहना जी को आपने लिया है, क्या खासियत है आपको लगे इनके? गहना जी के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, मिरर द बिटर ट्रुथ, जो अमेजन प्राइम पे गई, उसी समय मुझे मालूम पड़ा कि गहना जी एल्बम बहुत सारे करते हैं, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलिए एक बनाते हैं, लेकिन जो बना रही थी मैंने कहा कुछ हटके करते हैं, इसलिए अरबियन जो है हम लोगों ने बनाया गाना नेचुरल। हमारी कोरियोग्राफर ने बहुत मेहनत की, घर पे जाके भी जो है डेली सिखाती थी, एक महीने मेहनत की है, और उसमें गहना जी ने जो पूरा जो उन्होंने योगदान दिया डांसर ने, वो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस किया, जिसका रिजल्ट आज सामने आ गया, 4 दिन हुए हैं और 3 लाख क्रॉस कर गया। तो क्या समझते हैं आज के दौर में डिजिटल मीडियम के थ्रू जो म्यूजिक वीडियोस परफॉर्म कर रहे हैं, जो मार्केट, उसके बारे में कुछ बताइए कितना अच्छा मार्केट है आज के दौर में? देखिए मार्केट क्या है कि अगर आप फाइनेंशियली जाए तो आज एल्बम से कोई पैसे तो आते नहीं, लेकिन एक अच्छी जो आर्टिस्ट हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो लिरिक्स राइटर हैं, जो डांसर और डायरेक्टर, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और उससे उनकी अपनी एक पहचान बनती है, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। गहना एज एन आर्टिस्ट और कौन कौन से लोग, काफी लोगों का सपोर्ट हुआ तभी ये एल्बम आया, और जो लोग हैं जुड़े? मेन तो हमारा विक्ट्री मूवी सलीम शाह जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एल्बम है किस तरह से डिफरेंट बात है, बहुत सारे एल्बम आ रहे हैं मार्केट में, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो कितना ज्यादा अलग हट के आपको नजर आएगा? नहीं, जैसे एल्बम बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जाते हैं एक छोटी सी जगह लेते हैं और उसको शूट कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि जो चाहिए गाने की जो रिक्वायरमेंट थी वो किया हमने। म्यूजिक के ऊपर तकरीबन 1.5 महीने काम किया है, लिरिक्स राइटर भी हमारा जो है बड़ा अच्छा है, जिसने अपना वो गाना आया था इसका, रस्ते बजा रही भेड़पुड़ी खा रही, सुनील झा, खुद म्यूजिक एक्टर भी है, उनसे मैंने करवाया, फिर हमने सर्चिंग की कि लोकेशन देखें कहाँ करें, तो फाइनली ये हुआ कि हम करते हैं फीचर स्टूडियो, तो गाना अच्छा है, हमारी जो मॉडल है वो अच्छी है, तो लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और इसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पूरा सहयोग किया कि आपको जो करना आप करो। मैं आपसे चाहूँगा कोरियोग्राफर कहना चाहेंगे ये जो डांस मूव से कितना ज़्यादा एक्सेप्टेशन होगा, मतलब इंडियन व्यूअर्स से खासकर देखा जाए तो कितना ज़्यादा पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया और दिल से जो सॉन्ग डिमांड करता है इन्होंने दिया है। तो जब शूट हो रहा था तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसे, मतलब क्या चैलेंज था, अच्छी मतलब पिकअप करती हैं ये डांस में, डांसिंग हो गया क्या? सबसे पहली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। आई रिमेम्बर ये मॉर्निंग में उठ जाती थी, रेडी रहती थी, चाय रेडी रहता था और बहुत मेहनत करती थी। इन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मुझे याद है वो लेट नाइट शूट करके आती थी, फिर भी उन्होंने हमेशा बोला कि नहीं नहीं मैं करूँगी। तो एंड स्टेज शूट के टाइम भी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, तो ओवरऑल अच्छा ही था एक्सपीरियंस। तो आप पहले भी नहीं, ये मुझे पहला अपॉर्चुनिटी सलीम सर ने दिया है, ये पहला है, तो सबके थ्रू ही ये मेरा पहला स्टेज था। तो वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अच्छे डांसर में, अगर डांसर की बात करें, जब कोई डांस करता है क्या क्वालिटीज आप देखती हैं? हार्ड वर्किंग एंड प्रैक्टिस, जो गहना जी में भरपूर है। गहना इतना एक्सप्लोर कर रही हैं आप चीज़ों को, क्या कहना चाहेंगे, वेब सीरीज हो गया, म्यूजिक वीडियो हो गया, ये सब करके एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट बनना कितना आसान या मुश्किल होगा आपके लिए? मैं सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल रहूँगी डिजिटल मीडियम की। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई फिल्म बनानी है तो आपके पास एटलीस्ट 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, एक आपके पास प्रॉपर पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब से डिजिटल आया है, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास स्क्रिप्ट है,
तो आज की डेट में कोई भी प्रोड्यूसर बन सकता है, कोई भी डायरेक्टर और कोई भी आर्टिस्ट, बस वो डेडिकेटेड होना चाहिए अपने काम में। सो डिजिटल आने की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने लास्ट 6 मंथ्स में, मतलब लास्ट 1 ईयर में कहूँगी, मैंने 27 वेब सीरीज़ की हैं। दिसंबर में मेरे 6 प्रोजेक्ट रिलीज़ हुए हैं और मतलब मैंने कुछ 24 म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं इस साल। और इसका सारा क्रेडिट जाता है डिजिटल मीडियम को, क्योंकि डिजिटल आ जाने से सारी चीज़ों को, आपने कुछ बनाया तो रिलीज़ करना ईजी हो जाता है। सो प्रोड्यूसर को भी लगता है यार चलो ठीक है पैसे उतने नहीं आ रहे हैं, बट मेरा प्रोजेक्ट सामने तो आ रहा है। और वो जो प्रोजेक्ट सामने आते हैं जैसे म्यूज़िक वीडियोज़, उसकी वजह से हम लोगों को स्टेज शोज़ मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस मिल जाती है, कुछ आइटम सॉन्ग्स मिल जाते हैं फिल्म में। सो अगर हम लोग म्यूज़िक वीडियो से अर्न नहीं कर रहे हैं तो हम बाकी जगह से अर्न कर लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट मैं कहूँगी हर आर्टिस्ट हर रोज़ स्ट्रगल करता है, हर रोज़ वो चाहता है कि मेरा आने वाला कल पिछले वाले कल से बेटर हो। तो यह कोई भी एस्टैब्लिश तो नहीं होता, बट कोशिश सब लोग करते हैं। और म्यूजिक पार्ट, लिरिक्स और जो गाना गाए हैं, क्या बताइए कितना गा रहे हैं? स्मिता अधिकारी करके हैं और इंडियन आइडल में वो 3rd नंबर या 4th में थी, जो 2nd सीजन था। हाँ, और अभी वो बंगाली फिल्मों में बहुत अच्छी सिंगिंग कर रही हैं, फिल्मों में कर रही हैं। और अभी भी एक्चुअली मैं आज हैं नहीं, वो यहाँ पे कलकत्ता है, तो उनको मैं बुलाता था। और लिरिक्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें तो सुनील झा उन्होंने वो गाना लिखा था, बताया मैंने आपको, रस्ते पे जा रही भेलपुरी खा रही हूँ, फिर गोविंदा की वो गाना लिखा उन्होंने, मिले जो तेरे नैना। तो आज वो काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर लेकिन ये भी जानना चाहूँगा, म्यूज़िक वीडियोज़ की बात करें, अगर 90s की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेमस होता था, आज कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया, मार्केट में बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ आते हैं, तो उनमें अपने आप को अगर देखा जाए तो कितना मतलब इस्टेब्लिश करना आसान है, मुश्किल होता है? पहले क्या होता था कि एक आइटम डांसर अलग होती थी, एक हीरोइन अलग होती थी, एक म्यूज़िक वीडियो वाले आर्टिस्ट अलग होते थे। तो आइडेंटिफाई करना इजी था कि यार ये आइटम सॉन्ग करेगी तो ये आर्टिस्ट है। बट आजकल क्या हो गया कि सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो टफ है। लेकिन अगर आप ये मान लो कि आपका किसी के साथ भी कॉम्पिटिशन नहीं, आपका कॉम्पिटिशन खुद के साथ है, तो आप बहुत अच्छा काम करते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं ये मान लेती हूँ कि मेरा कॉम्पिटिशन किसके साथ नहीं है, तो मैं बहुत सक्सेसफुल पाती हूँ खुद को। क्योंकि मैं आज से 7 साल पहले जब बॉम्बे आई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, बट आज मुझे लगता है मैं सबको जानती हूँ। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना हो सकता या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज कैंटीन पर वीडियो सहित पूरी और हमारे जी न्यूज कैंटीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।